देखिए आज जो जन आक्रोश रैली थी उसका मकसद था कि लोगों के अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है, जो पूरा कमेरा वर्ग है, किसान, मजदूर, बेरोजगार, रेड़ी फड़ी वाले, उनके अंदर एक आक्रोश है सरकार के प्रति कि सरकार लुटेरों की जो है उनकी के लिए सारे कानून बना रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और बहुत अच्छी पंचायत हुई है, बहुत अच्छी रैली हुई है, उसके लिए हम सभी किसानों का, मजदूरों का, सारी जनता का धन्यवाद करते हैं और पत्रकारों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की। एसकेएम के जो प्रोग्राम है उसमें आप जाएंगे? नहीं, मैं एसकेएम के प्रोग्रामों में नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास उनका कोई न्योता नहीं है और मैं एसकेएम से मेरे को उन्होंने बाहर किया हुआ है। उनके साथ जो पंजाब के किसान गन्ने को लेकर हाईवे जाम किया है और ट्रेन रोलने की बात कही है। देखिए हम सभी जितने किसान आंदोलन है सभी के साथ हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ कोई सा संगठन आंदोलन करे हम उनका सहयोग करेंगे। राम जी, पहले आपने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है, आप भी समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को यहाँ बुलाया, क्या उम्मीद हो गई थी कि कांग्रेस से की ओर आप लोगों को टिकट नहीं देंगे, आपके साथ चुनाव नहीं? हमने कोई कांग्रेस के नेताओं से बात नहीं की है और जो कांग्रेस के प्रभारी थे उन्होंने एक मीटिंग ली थी किसानों की कि किसानों को क्या प्रॉब्लम है। उस मीटिंग में हम शामिल होके उनको बता दिया था, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है और होने पे कोई पाप भी नहीं है, ये भी बता दूं, अगर होगी तो कोई पाप भी नहीं है। और ये जो हमारे सामने अखिलेश जी बैठे हैं, जो अखिलेश धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं, जो जयंत जी बैठे हैं, ये भी आज उसी का हिस्सा हैं और इसमें राजनीति करने में कोई पाप नहीं है। आज हमने पास करवाया सर्वसम्मति से, किसानों ने हाथ उठा के ये कहा है कि किसानों को राजनीति जरूर करनी चाहिए। तो क्या राजनीति में जाएंगे फिर आप उसके खिलाफ? देखिए अकेले नहीं लड़ेंगे, अगर कहीं से समझौता होता है तो जरूर लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी, देखिए वो टाइम की बात है, वो समय से पहले कुछ नहीं कहा जाता। जो ईडी का नोटिस मिला है आपको? नहीं, ईडी का नोटिस नहीं मिला है, हमें गुप्त सूचना है कि ईडी ने जांच शुरू कर दी है, गुप्त सूचना है, अभी नोटिस नहीं आया है। और नोटिस क्या आएगा जब होगी हमारे ऊपर, तो रेडी होगी सीधी। देखिए किसानों को जो हमारे जो एक तरीका है कि जिस किसान पे कोई दिक्कत आती है लीडर पे और लोग जो हैं उसके साथ में खड़ते हैं, तो अब किसानों के सामने वो बात रखी और किसानों ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई ऐसा होगा तो पूरे किसान इकट्ठे होंगे। जनक्रोश रैली में दूर दराज से जो सभी किसान साथी यहाँ पहुंचे हैं, युवा शक्ति पहुंची है, मातृ शक्ति पहुंची है, सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्बाड़ा से जो हमारे साथी आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कागज है भाई, बरखारामपुर फुटी अम्बाड़ा का है, जहाँ का विनती है जो भी।
और भी सभी आ जाए। करतारपुर साहिब संभाल का लाडवा से, गुरुद्वारा से और गुरुघर से 5,000 लोगों का लंगर आया है। दिल की गहराइयों से गुरुघर का और सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अम्बाला सुरजीत सिंह जी प्रधान, शाहजादपुर राजदीप संधू जी बराड़ा प्रधान, गुलाब सिंह जी गुज्जर शाह प्रधान, गुलाब पुनिया जी मेरे अजीत साथी और बहुत ही किसान से करती है करते हैं। केवल सिंह संधू जी, जल्ली चीका जी भाई अपने पूरे दरबार जत्थे के साथ पहुंचे, इनका सभी का बहुत बहुत स्वागत। भाई किंदर ठेकेदार जी, इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चमकौर जी से निवेदन करूंगा क्योंकि मैं मंच पर आए सदा आज ये किसानों की धरती है, मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ गुरनाम सिंह चरूनी उनके पूरे संगठन को। कल चौधरी छोटू राम जी की जयंती भी है तो हरियाणा आने का एक विशेष पल हुआ। किसानों की जो मांग है उनका पूरी तरह हम समर्थन करते हैं, समाजवादी हो राष्ट्रीय लोकदल हो, हमारी दोनों पार्टियाँ इसमें साथ हैं। किसान के MSP का भाव का पूर्ण समर्थन करते हैं। 13 महीने जो किसानों का आंदोलन हुआ, जो किसानों की मांग अब तक नहीं मानी गई, उस वादा खिलाफी के साथ के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और 2024 में जो हमारी सरकार बने तो उसमें हम नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए और किसानों की मांगों को मनवाने के लिए खड़े हैं। कल जैन जी ऐसी चर्चा है कि आप हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं, हरियाणा में आए हैं, गुरुनाम जी को आपने सपोर्ट किया है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा चुनाव की कोई यहाँ बात नहीं हुई। ये बात जरूर हुई कि राजनीति में किसानों की दखल बढ़नी चाहिए। और बाकी मैं आपके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर में हमारे 4 शहीद हुए हैं उन परिवारों की तरफ भी अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। आप लोग क्या, जैसे गठबंधन बना है, इंडिया बना है, तो आप लोग क्या गुरनाम सिंह चरूनी को चुनाव मैदान में? देखिए इंडिया में क्या किसान नहीं है, इंडिया किसानों से ही तो है, हमारा पूरा गठबंधन किसानों से ही है और उनमें प्रमुख चेहरा गुरनाम जी है। गुरनाम सिंह जी को लड़वाएं, राम जी साफ मना कर चुके हैं, कल इन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि गुरनाम जी क्या फैसले पार्टी से लड़वाएंगे। नहीं ऐसी कोई बात, ये छोटी बात है। ईडी ने जो गुरनाम सिंह जी को नोटिस दिया है उस पे क्या कहेंगे आप? आप पूछिए, अगर 26, 27 और 28 को SKM ने जो फैसला लिया है कि पूरे देश में वो जितने भी राजधानी वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, आप भी उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए, जो इतने साल बीत गए सरकार अभी तक इसने कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया।
एमएसपी दिलाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, जैसे आज मैंने बताया 2018 में कानून खुद मोदी जी लाए थे, अब क्यों पीछे हटते हैं। डब्ल्यूटीओ संगठन में जब अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के दबाव में सरकार काम करती है और वो हम पे दबाव डालते हैं कि ये जो किसान से आप खरीद रहे हो उस पर रोक लगाओ, एमएसपी देना बंद करो, वहाँ सरकार क्यों नहीं टिक पाती, क्यों नहीं कुछ वहाँ करती, वकालत क्यों नहीं करती किसानों को? अच्छा मुझे बताइए, किसान राजनीति में क्यों ना आए और राजनीति पे नज़र क्यों ना रखें? किसान सिर्फ भेड़ की तरह चलेंगे? किसान इस देश में नीति भी बना सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसान थे और राजनीति में थे और राजनीति में बड़े पदों पर रहे, तो किसान इससे पीछे ना हटें, किसान की जो अगली पीढ़ियां हैं वो भी इसमें दखल दें। आगे राहुल गांधी के बयान पे क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि वहां राजकोट में, अब देखिए थोड़ी शब्द कौन सी पनौती वाली बात है, थोड़ी शब्दावली को लेके हम भिन्न विचार के हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतना ढोंग क्यों हो रहा था, धर्मयुद्ध क्यों बताया गया? आखिरकार वो खेल है, देश उस खेल को जीत के नहीं जीत सकता ना हार सकता। देश तब हारता है जब हमारे जवान शहीद होते हैं और किसान के साथ अन्याय होता है, पता चल जाएगा, रहता खिंच जाएगा जो लोग दूसरा माहौल बना रहे हैं। आपने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, चौधरी देवीलाल, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया, वो चूक हो गई, ऐसा नहीं है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बचपन से मैंने उनके साथ समय व्यतीत किया, उनके साथ नाश्ता किया, उनके किसान के मूवमेंट में मैं जुड़ा हुआ। यमुनानगर और अम्बाला में कई लोग मारे गए जहरीली शराब की वजह से। देखिए शराब का सेवन लोग ना करें, इससे बचें, और सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए, बिना सरकारी तंत्र के शामिल हुए इस तरह के कांड नहीं होगा। खुशी है आदेश चलूनी जी के आमंत्रण पर मुझे आने का मौका दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनको आना था, और हरियाणा की इस सरजमी किसान आंदोलन की जड़ है, और जो अभी किसान मूवमेंट हुआ दिल्ली के अंदर उसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के किसानों का था, उनके बीच आने का मौका मिला वो मुझे बहुत खुशी है, और मैं उनकी सभी मांगों से अपनी पार्टी को जोड़ते हुए, सहमति व्यक्त करते हुए उनके साथ हूँ। आपने कहा अखिलेश जी को बताएंगे, क्या आपकी सपा पार्टी चढ़ूनी जी को चुनाव में उतार सकती है हरियाणा से? अगर चढ़ूनी जी चाहेंगे तो बैठ के बात हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, वो तो फैसला उनको लेना है, उनके संगठन को लेना है, और जो फैसला लेंगे हम लोग साथ हैं। बलराज कुंडे देखिए, किसानों की हर गंभीर मांग में हम लोग साथ हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं काम करने के, लेकिन सब लोग किसान हित में काम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का 3 दिन का महापड़ाव है अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मेरी शुभकामनाएं हैं और हमारी पार्टी की शुभकामनाएं हैं, और किसान मुद्दों पर हम साथ हैं। उस समय किसानों की हित के लिए आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, एमएसपी नहीं, नहीं, आपने आपने आपने, आपने लग रहा उस समय के बारे में अध्ययन नहीं किया है। नंबर वन तो ये कि कांग्रेस के किसी भी गठबंधन के अंदर हमारी पार्टी शामिल नहीं रही है, बाहर से सहयोग समर्थन दिया है, सहयोग समर्थन देने के साथ साथ माननीय नेताजी के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग लगातार किसानों की लड़ाई लड़े हैं, और जहाँ तक किसानों के जो यहाँ के मामला है, भूमि अधिग्रहण का मामला है या उनको मुआवजा देने का सवाल है, हम आज फख्र के साथ हरियाणा के लोगों के बीच कह सकते हैं देश के अंदर सबसे ज़्यादा मुआवजा अगर किसी दल ने दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। 302 किलोमीटर की रोड बनाई, एक भी लिटिगेशन कोर्ट तक नहीं गई, एक भी गांव में कहीं आंदोलन नहीं हुआ, ये किसानों के हित में हम लोगों ने सर्किल रेट पहले बढ़ाया, फिर 4 गुना समय जो मुआवजा देना चाहिए वो दिया सर्किल रेट का, इस तरह से किसानों के हित में किया। किसानों के लिए बीमे का इंतजाम हम लोगों ने किया, किसानों का कर्ज माफ़, दिल्ली की सरकार तो बड़े लोगों के कर्ज माफ़ कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख किसानों के कर्ज माफ़ माननीय अखिलेश यादव ने किया। 90 में जब नेताजी की सरकार थी, स्वर्गीय देवीलाल जी भी उस समय यहाँ हरियाणा के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने शुरुआत की थी हरियाणा में, 2000 मुझे याद है 1987 में, मैं बहुत छोटा था, 1990 में नेताजी ने किसानों के कर्ज माफ़ की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की, तो किसानों की ही हमारी पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से उत्प्रोत हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से उत्प्रोत हैं हम समाजवादी लोग, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम लोग चौधरी साहब की विचारधारा, किसानों की विचारधारा, स्वर्गीय नेताजी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए किसानों के लिए संघर्ष रहने वाले लोग हैं। गठबंधन निश्चित तौर पर रहेगा और इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, जैन जी तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही फैसला लेंगे, लेकिन बीजेपी को हम लोग हर हाल में हटाएंगे, और मुझे खुशी है कि हरियाणा की मिट्टी से भी यही खुशबू आ रही है कि बीजेपी के लोग जा रहे हैं।